बढ़िया। आपका फॉलोअर यूट्यूब में? अच्छा जी, क्या बात है। आपकी बहुत कैंपिंग देखी है हमने। क्या बात, आपने मतलब कैसे पहचान लिया हमें? आपको कौन नहीं पहचानता यार। अच्छा अच्छा, क्या चाहिए भैया? ठीक है, रास्ता बंद हो गया। हाँ रास्ता बंद हो गया ना, आगे पीछे बंद हो गया। ये देखिए कितनी स्नो पड़ी हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम काजा। देखिए ऐसा है कि अभी लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस वक्त हैं हम काजा में एक होम स्टे में। ये देखिए कुछ ऐसा हमारा होम स्टे है। ये है हमारे सुशील भैया जो कि देखिए सुबह सुबह हमारे लिए इन्होंने चाय बना करके यहाँ पे रख दिया है और ये हमारे लिए पानी इन्होंने डाल दिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, हालांकि हर वीडियो में मैंने बताया है, इसे बुखारी कहते हैं और इसके अंदर लकड़ी डाल के इसके अंदर आग जलाया जाता है जिससे इस पूरे रूम की ना वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। दिखाता हूँ आपको। हाँ इस तरह ये देखिए। हाँ ये देखिए, अभी एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, बाहर का नज़ारा। सुशील भाई खोले ना यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए, यहाँ देखिए छत से लोग बर्फ हटा रहे हैं। ओहो हो, बाहर का नज़ारा देखिए, ये क्या शानदार नज़ारा। उधर देखिए ये लोग छत पे जो बर्फ जमी है उसे उठा के फेंक रहे हैं। तो कल बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे 2 दिन लगातार। आज ये थोड़ा बहुत मौसम खुला खुला सा लग रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। तो देखा आपने बाहर से क्या ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है। ये सुबह सुबह जो मेरा कैमरा है ये देखिए पता नहीं चार्ज ले नहीं रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रात में लगभग -17-18 टेम्परेचर था ना, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से ये ऑन हुआ है। यहाँ पे हमने बुखारी के पास इसे रखा था, हल्की सी इसे हीट मिली है तो अभी ये ठीक है। देखते हैं अब चार्ज करके। तो ये रही चाय। चाय पीते हुए आज का सीन बताते हैं। देखिए कल तो पाजी चले गए, हालांकि पाजी का जाने का इरादा नहीं था और हमने बहुत अच्छे से प्लान भी किया था कि हम मिल के चीचम हिक्किम की मोनेस्ट्री ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पाजी चले गए और मैं अकेला यहाँ पर रह गया। पता नहीं ये डिसीजन कितना हद तक ये सही है मेरा यहाँ पे रुकने का। हालांकि आज रात में मैं आपको टेम्परेचर बता दूं कि -24 तक जाएगा आज रात का टेम्परेचर। कल -30 तक जाएगा, 31 तक रात में टेम्परेचर। तो ऐसा यहाँ पे कुछ माहौल है अभी फ़िलहाल। देखिए चाय पीते, चाय पीने के बाद इरादा ये है कि आज जाएंगे बाहर और एक्सप्लोर करेंगे। हिक्किम है, चीचम ब्रिज है, की मॉनेस्ट्री है, लेकिन हमारे पास जाने का कोई मतलब साधन नहीं है, है ना, ना हमारे पास गाड़ी है। यहाँ पे जो शेयर टैक्सी चलती है वो भी बर्फ़ पड़ने की वजह से बंद है। और अगर टैक्सी की बात करें, अगर हम पर्सनल कैब बुक करते हैं तो लगभग कितना बता रहे थे भैया? 6000 रुपये मांग रहे थे। मतलब इतना पैसा तो देना मतलब बनता ही नहीं है। तो देखेंगे, निकलेंगे रोड पर और देखेंगे कोई ना कोई अगर मिलता है तो उससे लिफ्ट लेंगे, और अगर किस्मत में रहा वहाँ जाना तो घूम के आपको ना दिखाएंगे कैसा सीन है वहाँ का। बढ़िया चाय बनी है अभी। चाय मतलब हमने पी के ख़त्म भी नहीं किया था कि सुशील भैया सुबह सुबह का नाश्ता ले आए पोहा, और ये है आज का हमारा नाश्ता। इसके अंदर आपने सुशील भाई वेज डाल दिया नहीं? हाँ जी हाँ जी। और हमने यहाँ पे सारा जो गैजेट है वो हमने यहाँ पे ऐसे बुखारी के आसपास रखा है ताकि इसे थोड़ी बहुत हीट मिले, और जो बैटरी है वो थोड़ी ना बची रहे क्योंकि यहाँ पे कल रात से लाइट नहीं है और पावर बैंक का भी ना सिर्फ 1 पॉइंट ही बचा है। आज कब तक आएगी लाइट, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी लाइट आज आ जाएगी। हाँ आज तो आ जाएगी, आ जाएगी उम्मीद है। चलिए देखते हैं, लाइट आना बहुत मतलब ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पास जो सारा गैजेट है वो वैसे ही कैसे ही पड़ा है। मतलब चलो मेरे पास पावर बैंक है, मैं ले आऊंगा। अच्छा अच्छा, ले आना ज़रा, मेरे पास होगा वहाँ 300। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। तो चलिए ब्रेकफास्ट आ गया है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो कारवा है वो करेंगे। देखिए भाई ऐसा है कि टाइम जो है लगभग 10 बज रहा है और हम निकल चुके हैं अपने होम स्टे से बाहर की तरफ, और थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए ये क्या ज़बरदस्त नज़ारा हो रखा है। कल पूरी स्नो पड़ी, कल पूरा फॉगी वेदर था, लेकिन माशाल्लाह आज धूप निकली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड कम हो गई है, धूप निकलने का मतलब ये नहीं है। जब स्नो पड़ती है तो ठंड कम हो जाता है, लेकिन जब धूप जब निकलता है तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आपको थोड़ा टेम्परेचर दिखाते हैं यहाँ का, किधर से रास्ता है यार, इधर से। अभी आपको टेम्परेचर दिखाते हैं कि कितना टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। एक तो ना लाइट नहीं है कल रात से, और दूसरी बात कि हमारा जो पावर बैंक है मोबाइल
सब डिस्चार्ज हो गया था। अभी देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो -17 डिग्री टेम्परेचर है अभी, दिख रहा है? पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। जब मैं पिछली बार आया था तो इस होटल में रुका था, इसका नाम है ताशी लिंक। लोग यहाँ पे अपना जो रास्ता है वो साफ़ कर रहे हैं बर्फ हटा के। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग -30 डिग्री तक चला जाता है। देखते हैं अगर कोई हमें लिफ्ट दे देगा तो यार हमारे लिए सही हो जाएगा। ये है काजा का मार्केट वाला इलाका जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत कम शॉप खुली हुई है। से क्या ले भाई? बढ़िया जी, बढ़िया। अब जब भाई नॉर्मल वेदर में आएंगे मई जून के महीने में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है और दुकान बिना खुली हुई होती है। लेकिन कैसे है? बढ़िया। आपका फॉलोअर यूट्यूब में? अच्छा जी, क्या बात है। आपकी बहुत कैंपिंग देखी है हमने। क्या बात, आपने मतलब कैसे पहचान लिया हमें? आपको कौन नहीं पहचानता यार। आप सोलो ट्रैवल करते हो कैंप? थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा यार, अभी बड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसे कोई मिलता है ना जी, जी। अचानक मेरे को लगा पीछे से आवाज़ किसने दिया साहब भाई। मैंने आपकी 5 दिन पहले वीडियो देखी थी जब आप निकले थे ना। तब अच्छा, ओके नाइस। आप किस चीज़ से आए हो? अभी पीछे के सही आए हम लोग, जा रहे की मन से जा रहे हो? अच्छा, क्या गाड़ी है आपके पास? नहीं पैदल जा रहे। पैदल नहीं, अब गाड़ी का कुछ करते हैं। हाँ, यहाँ पेट्रोल पंप पे देखते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही चल लेंगे। हाँ कोई मुश्किल नहीं, चलो फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ, है ना? क्योंकि मैं भी निकला था कि कोई अगर लिफ्ट मिल जाएगा तो की मॉनेस्ट्री है हिक्की में जी जी, ये सारा कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। नहीं तो ऐसा, कहाँ से आप लोग? अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद से। चलिए ये देखिए, अच्छा लगा आपको मिलकर। बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। सोचा नहीं था कभी आपसे मुलाकात होगी। चलिए, लिखा होता है ना, मिलना तो मिल ही लेता है बंदा, है ना? हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते पे ना स्नो पड़ी हुई है और ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो टैक्सी है बस है वो चलेगा नहीं। तो आप लोग कैसे आए यहाँ पे? हम लोग बस से आए थे। बस से आए थे? हाँ, 2 दिन पहले आए थे। अच्छा अच्छा, कहाँ पे स्टे किया आपने? पीछे ही है। पीछे? अच्छा अच्छा, सही है। तो बस कब तक चलेगी फिर से? अभी आज तो धूप निकली है। हाँ, मेरे को लगता है कि 2 दिन शायद लगेगा ना। हाँ, 2 दिन लगे। हाँ, गाड़ी जो निकलने की कोशिश में लगी हुई है लेकिन ये निकलेगा नहीं जब तक यहाँ से ये स्नो ना हटेगा। हालांकि ये 4x4 जिप्सी आती है लेकिन ये देखिए स्ट्रगल कर रही है ये भी। ठीक है, रास्ता बंद हो गया। हाँ रास्ता बंद हो गया ना, आगे पीछे बंद हो गया। ये देखिए कितनी स्नो पड़ी हुई है। तो ये भाई अहमदाबाद से हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? हर्ष। हर्ष, हेलो। अच्छा, असल में मैं पाजी के साथ आया था लेकिन पाजी निकल गए। मैंने सोचा यार कि अभी आए तो यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, है ना? अगर रुकते नहीं तो आपसे मुलाकात भी नहीं होती। टेंट में ही रुके हो? मैंने परसों कैंपिंग किया था जी और आज हमने होम स्टे लिया है। अच्छा, ले लिया है? हाँ जी हाँ। ओके, और कल जो है ना, हाँ हमने सोचा है कि कैंपिंग करेंगे। ओके, हाँ तो देखते हैं कल क्या है कि -30 तक जाएगा टेम्परेचर जी। हाँ, तो मैंने सोचा है कल कैंपिंग करेंगे जी। हाँ, टेंट अगर जहाँ पे लगाऊंगा है ना, अगर मौका मिले तो। ये देखिए यहाँ पे चलना इतना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी तो चल ही नहीं पाएगी। पता नहीं इसे साफ होने में कितना टाइम लगता होगा, कम से कम 2-3 दिन तो लगता ही होगा। ये आ गए हम मेन रोड पे और मेन रोड पे ये देखिए ब्लैक आइस जमी हुई है। यहाँ पे पानी भर रहे हैं। क्या ले भैया, ठीक है? बढ़िया जी। ये पानी कहाँ से आता है? ये हैंडपंप का है। हैंडपंप का? हाँ जी, हाँ जी। तो सारे ये गांव के लोग
इसी से पानी भरते हैं क्या? हाँ, ये ऊपर के जो 15-20 घर है, अच्छा, सबके बीच में काफी इसका पानी नहीं जमता है, इसमें नहीं जमता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो पानी यहाँ से इकट्ठा करके लेके जाते हैं और इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो भी घर में टंकी है, नल है, ये सारा जम जाता है 3-4 महीने के लिए, तो लोग ऐसे ही यहाँ पे काम चलाते हैं। अभी तो फ़िलहाल कल जो स्नो पड़ी है तो अभी जितने भी लोग हैं अपनी छत से बर्फ़ हटाने का काम ही कर रहे हैं। हाँ, कितनी टफ लाइफ होती होगी यार यहाँ पे। अगर हमें गाड़ियाँ मिल जाती हैं तो बहुत किस्मत की बात है और हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि मॉनेस्ट्री, हिक्केम, चीचम ब्रिज। और अगर गाड़ी नहीं मिलती है तो फिर हम चलेंगे विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने। यहाँ नीचे हम देख रहे हैं ये जो मड हाउस है इसके अंदर बड़ा अच्छा इन लोगों का सेटअप होता है, और स्पेशली मतलब ये जो मड हाउस है विंटर के लिए ये लोग बना करके रखते हैं। और जैसे विंटर आता है अपने घर से जो ईंटे का घर होता है उससे शिफ्ट होके मड हाउस में चले जाते हैं, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा रहेगा। सांस भी ना फूल रहा है। ये जो काजा है इसे कोल्ड डेजर्ट के भी नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे लगभग -30 तक चला जाता है टेम्परेचर। और क्या कहते हैं जो ऑल्टीट्यूड है 12,500 फीट इसकी ऑल्टीट्यूड है, तो जब आप चलेंगे तो चलेंगे लेकिन थकेंगे भी। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी तो ऊपर घूमने जा रहे हैं। किधर? हम चंडीगढ़ से हैं। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ कहाँ अभी देखते हैं, आगे मैडम रीड कर रही है, जहाँ पे बात प्रॉपर सही हुआ तो वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है ना, क्या 3 आदमी हैं, ठीक है, लेकिन हमारा वो हम लोग बजट में करते हैं ना ट्रैवल, अच्छा है ना, और सभी स्टूडेंट ही हैं तो उस हिसाब से थोड़ा एक रेट लगा दो। स्टूडेंट और जॉब करने वाला ही आता ना है, अगर हमारे पास जॉब होता बढ़िया तो 4x4 लेके आता ना, है कि नहीं? तो ऐसा करो ना आप, 4 में डन करो है, 4x4 में एवरेज नहीं है, 4-5 के एवरेज आते हैं। हाँ, ऊपर तो टोटल 4x4 लगाने पड़ते हैं। अच्छा, चलिए, 4 छोड़ के आप 5 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं जाओगे। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे एक तो गाड़ियाँ चल नहीं रही है, और दूसरी बात कि हमें एक एक्सपीडिशन वाले लोग मिले थे जिनके पास 4x4 गाड़ियाँ थी, लेकिन उनके एक लीडर होते हैं, जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो हमें लिफ्ट नहीं देंगे। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन दिखाया नहीं लिफ्ट देने का, तो हमने भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं किया। फिलहाल एक भैया हैं यहाँ पे, वो शेयर टैक्सी की बात चल रही है कि अगर कुछ पैसा ले लें, हम 3 लोग हैं और एक लोग के मिल जाते हैं तो पैसा वो डिवाइड हो जाएगा और हम जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे। इससे बेहतर बात और क्या होगी, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन अभी जो नज़ारा होगा कीपर विलेज का, हिक्किम का, चीचम का, वो नेक्स्ट लेवल होगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि भैया को मनाते हैं और 5 तक या 6 तक रेडी करते हैं, 5-6 हज़ार तक। क्या नाम है आपका? लोबजंग। लोबजंग, लोबजंग भाई हमें मिले हैं, और इनके पास एक 4x4 टैक्सी है, जिप्सी है, तो इनसे जो है हमारी बात हो गई है 6 हज़ार में। ये कौन कौन सी जगह दिखाएंगे आप? ये लंगजा हिक्किम कॉमिक चिचम कीपर है ना, तो मतलब 6 पॉइंट हमें दिखाएंगे, इसका 6,000 रुपये ले रहे हैं। हम 3 भाई हैं, 2 भाई अहमदाबाद से हैं। एक बार नाम बता दीजिए आप। हर्ष भाई कुलदीप भाई, मतलब ये पहली बार स्पीति में आ रहे हैं और इतना बड़ा इन्होंने फड्डा ले लिया कि विंटर में आ गए। हाँ, मैंने इनसे कहा यार आप लोगों की बस इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि विंटर में आ गए आप लोग, तो यार हमारा जवाब ये था कि आपसे ही इंस्पायर्ड हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीछे हमारी जिप्सी लगी है, इसमें बैठते हैं और जो भी पॉइंट है आपको वो आज के ब्लॉग में दिखाते हैं। चला जाए, चलिए। तो ये है वो गाड़ी, मारुति सुजुकी की जिप्सी, जिससे आज हम पूरे जो स्पीति वैली का जो जो फेमस पॉइंट है वो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये रही गाड़ी, ये 4x4 गाड़ी आती है, और ऐसे वेदर में, ऐसे रोड कंडीशन में 4x4 गाड़ी ही जाएगी वैसे जगह पे, नहीं तो अगर 4x2 लेके जाएंगे तो वे भी रिस्क होता है स्लिप होने का। पाजी के जाने के बाद मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि अपने पास गाड़ी नहीं है और ऐसा कंडीशन है जहाँ पे अपनी गाड़ी हो तभी पॉसिबल होता है कि उस जगह पे पहुँचा जाए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, तो अल्लाह जो चीज़ें हैं, रास्ते हैं, खोल देते हैं। तो ठीक, इसी तरीके से मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया,
और चीज़ें जो हैं वो होती गई और मैं काम करता गया।